अयोध्या यहाँ बनाएंगे, अयोध्या यही बना दीजिएगा, यही बनाएंगे। जय श्री राम। कलियुग के दूसरे राम है। अगर इनके जोड़ों को जोड़ी भी देखिएगा ना, इनका हस्बैंड वाइफ का जोड़ी तो राम सीता से कम नहीं है इनकी जोड़ी। बहुत सालों के बाद हम लोगों को ये दिन देखने मिला तो खुशी खुशी तो पूजा करेंगे ही ना, और हम लोग आज पूरे दिन पूजा करेंगे और रात में दिवाली भी मनाएंगे। अयोध्या यही बना दिए, बस बस यही। अयोध्या भी जाएंगे, एकदम जाएंगे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा कि ऐसा मंदिर बना सकता है 300 साल में कोई नहीं बनाएगा। एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है पूरे देश में राममय का माहौल है। और तस्वीर देखिए बिहार की राजधानी पटना की, जहां पे बजरंग बली बने हुए हैं, वहीं पे राम बने हुए हैं, सीता बने हुए हैं, लक्ष्मण बने हुए हैं। और तस्वीर ये जो है लंगर टोली चौराहा की है, भारत माता मंदिर की है। काफी उत्साह का माहौल है और लोग जो है जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे। रामलला का एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप लोग इधर ही राम बना दिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन राम प्राण की प्रतिष्ठा पूरे सनातन धर्मी जितने भी भारत के हैं या विश्व के हैं, जो आज पूरे देश में पूजा हो रही है, उसी तरह से आज लंगटोली चौराहा भारत माता मंदिर पटना 4 का पूजा हम लोग भव्य रूप से करवा रहे हैं, अब एवं भव्य रूप से भंडारा भी करवा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या में अलग धूम मची हुई है, आप लोग दूसरी तरफ पटना में धूम मचाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के। अरे अयोध्या तो अपने जगह पर है, वहाँ के लोग हैं। अब अयोध्या में तो मेरा भी बुलाहट था वहाँ के सीएम जोगी जी द्वारा, लेकिन पहले तो अपना मंदिर देखेंगे ना, 100 बरस पुराना मंदिर है, तो मेरे लिए यह प्राथमिकता है। तो पहले हम यहाँ करेंगे, अयोध्या यहाँ बनाएंगे, अयोध्या यही बना दीजिएगा, यही बनाएंगे। जय श्री राम। अयोध्या यही बना देंगे, क्या कहेंगे। जिस तरह से 500 वर्षों से हम लोग के जो राम मंदिर अटके हुए थे, आज हमारे प्रधानमंत्री का माइनस से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, हम देशवासियों के बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और सुनील भैया जो व्यवस्था किए हैं भंडारा कि राम मंदिर बनकर तैयार होगा और यह दिन जो है देखने को मिलेगा, इस तरीका से आप लोग जो है। आप ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा कि ऐसा मंदिर बना सकता है 300 साल में कोई नहीं बनाएगा। आज पटना में भी लग रहा है कि हम लोग राम मंदिर में घुस के पूजा कर रहे हैं, और सुनील भैया के आशीर्वाद है कि हम लोग पूरा व्यवस्था भंडारा हो चाहे कुछ हो, सुनील भैया के तरफ से हम लोग व्यवस्था किए हैं। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भारत माता मंदिर में पूरे तरीके से जो है। भारत माता मंडली को हमेशा डॉक्टर सुनील कुमार दुबे करते आए और करते रहेंगे। आज जितना भंडारा आप देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं इनके लिए। ये समझिए कि कलियुग के दूसरे राम है। अगर इनके जोड़ों को जोड़ी भी देखिएगा ना, इनका हस्बैंड वाइफ का जोड़ी तो राम सीता से कम नहीं है इनकी जोड़ी। आप देख लीजिए इनकी जोड़ी, आप भाभी वहाँ पे है पूजा कर रही हैं, उनकी जोड़ा इनको जितना कहिए, इनका जितना बड़ा कीजिएगा उतना ही कम है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल देखिए जोड़ी जो है बेहतरीन है, और यहाँ देखिए जो है राम सीता बने हुए हैं, एक तरफ जो है बजरंग बली बने हुए हैं। सीता का जोड़ी क्या कहेंगे, आरती कर रहे हैं सीता राम लक्ष्मण का, लोग सीता माता का। अरे बहुत ही खुशी की बात है ना, पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत खुशी की, बहुत सालों के बाद हम लोगों को ये दिन देखने मिला तो खुशी खुशी तो पूजा करेंगे ही ना, और हम लोग आज पूरे दिन पूजा करेंगे और रात में दिवाली भी मनाएंगे। अयोध्या यही बना दिए, बस बस यही। जाने का मौका नहीं मिला तो यही अयोध्या, नहीं जाएंगे अयोध्या भी जाएंगे, एकदम जाएंगे। हम लोग यही बना दिए, अयोध्या उतना भीड़ में आदमी कहाँ जाएगा, हम लोग सब पार्टी मिल के ही बना दिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है आरती कर रही है महिलाएं, और यहाँ जो है बजरंग बली को लड्डू खिलाने का भी काफी उत्साहित है महिलाएं, यहाँ पे नाच गान कर रही है। वहीं देखिए एक तरफ महिलाएं जो है भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है,
क्योंकि आज प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में आ चुके हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है, तो लोग जो है पूरे खुश है और काफी हर्षोल्लास है क्योंकि प्रभु राम का जिसका इंतजार था बरसों बाद वो कहीं ना कहीं अब पधार चुके हैं। तो इसको लेकर के तैयारी देखिए बिहार की राजधानी पटना में किस तरीका से किया गया है, अलग जगह चौक चौराहे पे तमाम जगह इस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।